हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित और आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे नए चैनल ब्लेड XYZ में। और दोस्तों, ये जो वीडियो है ये इस चैनल के ऊपर होगी पहली वीडियो। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से सब्सक्राइब आप कर लीजिए। और दोस्तों, जो लोग स्पोर्ट्सशाला से आए हैं उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं, हाथ जोड़कर धन्यवाद देता हूं। आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया। और दोस्तों, ये जो चैनल है इस पर वीडियोज़ आएंगी, चीज़ों को कटिंग से रिलेटेड मैं चीज़ों को काट करके दिखाऊंगा आपको कि उनके अंदर क्या क्या मिलता है। इस वीडियो में दोस्तों हम काटने वाले हैं इस पिंक बॉल को और दोस्तों साथ ही साथ हम काटने वाले हैं इस रेड बॉल को भी। देखें क्या है इन दोनों में अंतर। दोस्तों आपको अगर प्राइस बता दूं इनकी, तो ये जो बॉल है पिंक वाली, ये एक सस्ती बॉल है, इसकी प्राइस जो है ज़्यादा नहीं है, लगभग 250 रुपये की है। ये वाली बॉल जो है ये 600 रुपये की बॉल है। ये है SG का क्लब, आप देख सकते हैं या फिर शायद नहीं देख सकते। तो चलिए अब इनको काटते हैं और देखते हैं क्या है इनके अंदर का राज। तो दोस्तों यहाँ पर है हमारी दोनों बॉल जिनको कि हम अभी काटने वाले हैं कुछ ही देर में। और दोस्तों काटने के लिए जिस टूल का मैं यूज़ कर रहा हूँ वो है एक एंगल ग्राइंडर, आप देख सकते हो जिस तरीके से। दोस्तों इस चीज़ को कभी भी आपने घर पे या कहीं भी ट्राई बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि ये जो टूल है ये डेंजरस आपके लिए हो सकता है। और दोस्तों जो बॉल है उसको एक जगह रोकने के लिए मैं यूज़ करूँगा इस क्लैंप का, जिसको कि हिंदी में बोलते हैं सिकंजा। तो चलिए फिर इस पिंक वाली बॉल को लगाते हैं हमारे क्लैंप में और इसको दिखाता हूं मैं आपको काट। तो दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं मैंने हमारी इस पिंक बॉल को क्लैंप कर दिया है स्टेबल के साथ में। और दोस्तों जो शिकंजा है वो भी मैंने पूरा यहां पर कस दिया है। और दोस्तों इस बॉल को हम यहां पर काटने वाले हैं अलोंग द सीम नहीं काटेंगे, हम इसको इस तरीके से जो है सेक्शन करेंगे। तो चलिए फिर इसको करते हैं हमारी मशीन को चालू और देखते हैं कि क्या मिलता है हमें इसके अंदर। और दोस्तों मुझे लगा कि यहाँ पर हमें यूज़ करना चाहिए सेफ्टी ग्लव्स का, क्योंकि जो सेफ्टी है, जो सुरक्षा है, वही हमारी पहली प्राथमिकता है। तो ये जो बॉल है अभी लगभग आधी कट चुकी है, तो इसको हम पूरा काटते हैं और देखते हैं क्या है इसके अंदर। दोस्तों यहाँ पर पिंक बॉल को दो हिस्सों में काटने के बाद आप देख सकते हैं कि ये इस तरह का कुछ मटेरियल इसके अंदर है। अभी मैं आपको इसको डिटेल में दिखाता हूँ। और दोस्तों जो इसके अंदर पीस था कोर्क वाला, वो पता नहीं कहाँ गया एकदम से जब ये बॉल कटी थी, तो उसको मैं ढूंढता हूँ आपको दिखाता हूँ। लेकिन दोस्तों उससे पहले हम जो है काटने वाले हैं हमारी इस SG की बॉल को। आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा टेबल जो है वो गंदी हो गई है, जो बुरादा टाइप हो गया, जो कि लेदर का हो सकता है या फिर इसके अंदर कोर्क है उसका भी हो सकता है। दोस्तों अब आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर हमारी रेड बॉल को भी अच्छे से कर दिया है क्लैंप। और दोस्तों एक बार फिर से कहूँगा कि ये चीज़ जो है बिल्कुल भी आप अपने घर पर ट्राई मत कीजिए। तो चलिए अब इसको भी काटते हैं और देखते हैं कि इसमें और उस बॉल में क्या अंतर है। दोस्तों इसको काटते टाइम मुझे काफ़ी महसूस हो रहा है कि कितना हार्ड है ये बॉल और इतना इजी नहीं है इसको काटना। तो दोस्तों दोनों बॉल्स को चार पीसेस में काटने के बाद हमें यहाँ पर मिले हैं टोटल बॉल्स के चार टुकड़े। और दोस्तों काटते टाइम जो हमारी पिंक वाली बॉल है उसके अंदर का जो मटेरियल था, उसकी जो कोर थी, वो पता नहीं कहाँ पर उड़कर चली गई। मैंने ढूंढने की काफ़ी कोशिश करी, मुझे मिली नहीं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हमारे पास में दूसरा पीस है, बड़ा वाला पीस है, और इसके अंदर जो है वही सेम मटेरियल है। चलिए अब इस रेड बॉल को करते हैं साइड में और देखते हैं कि इस पिंक बॉल के अंदर हमें क्या मिलता है। दोस्तों सबसे पहले जो दिखता है वो यहाँ पर है कोर्क। और दोस्तों ये जो है एक सिंगल पीस में मुझे लग रहा है इसके अंदर जो है कोई खास चीज़ नहीं दिखाई दे रही है। आप देखेंगे सिर्फ एक कोर्क का टुकड़ा है, जो कि एक पूरा था, काटने के बाद में अभी आधा हो गया है। इसके अलावा इस बॉल के अंदर हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है। और दोस्तों इस चीज़ से ये साबित हो जाता है कि ये जो बॉल है एक सस्ती क्वालिटी की है, क्योंकि जो अच्छी क्वालिटी की बॉल्स होती हैं उनके ऊपर काफ़ी लेयर्स होती हैं थ्रेड्स की। इसके ऊपर जो है कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक लेदर का टुकड़ा है और उसके अंदर इस बॉल को फिट किया हुआ है।
और दोस्तों इसके अंदर जो है थोड़ा सा आपको कुछ और भी दिख रहा है, जो कि शायद लेदर का ही एक पीस है। दो पीस है बेसिकली, दोनों साइड में है। तो इसको मैं कोशिश करता हूँ निकालने की, और ये जो है बाहर आ गया। ये दो टुकड़े भी हमें इसके अंदर मिले हैं। दोस्तों अब देखते हैं कि हमें हमारी रेड वाली बोल के अंदर क्या क्या मिलता है। और दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे आपको बिल्कुल अलग ये बोल दिखाई देगी हमारी पिछली वाली बोल से, जिसके अंदर था एक सिर्फ कोर का टुकड़ा। लेकिन यहाँ पर दोस्तों मुझे काफ़ी चीज़ें जो है दिखाई दे रही है। यहाँ पर एक कोर अलग से दिखाई दे रही है, मुझे नहीं पता किस मटेरियल की ये बनी हुई है, लेकिन कुछ तो है इसके सेंटर में। जबकि हमारी जो पहली वाली बोल थी जो पिंक थी, उसके अंदर सिर्फ एक टुकड़ा था जो कि था कोर का। तो चलिए अब इसको भी बाहर निकालने की कोशिश करता हूँ। और दोस्तों यहाँ पर ये जो है मुझे लग रहा है काफ़ी टाइट वाइंडिंग इसकी की हुई है। जो बोल है वो बहुत अच्छे से फिक्स है। और दोस्तों यही एक निशानी है कि आपकी जो बोल है वो एक अच्छी क्वालिटी की है। यहाँ पर आपको मिल रही है काफ़ी लेयर्स। और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारा थ्रेड आपको मिलता है। ये जो धागा होता है ये बोल की परफॉर्मेंस को बढ़ाने में बहुत काम आता है। और दोस्तों यहाँ पर मुझे नहीं पता इसकी कितनी लेयर्स हैं, इसको खोल के देखते हैं कितनी लेयर्स हमें इस थ्रेड की मिलती हैं। तो यहाँ पर है पहली, यहाँ पर है दूसरी, और दोस्तों यहाँ पर मुझे लगता है एक और लेयर भी है, या फिर हो सकता है इसके अंदर 4-5 लेयर भी हों। दोस्तों इस बोल को काटने से पहले मुझे लग रहा था कि इसके अंदर शायद 3 लेयर्स होंगी, लेकिन दोस्तों यहाँ पर 5 लेयर इस थ्रेड की हम पहले ही निकाल चुके हैं। तो इनको हम रखते हैं साइड में, जो है चिड़िया के घोंसले का जैसा लग रहा आप देखिए। और मुझे लगता है अभी इसके अंदर और लेयर्स जो है बची हुई हैं, तो इनको भी हम बाहर निकालते हैं। दोस्तों आपकी बोल में जितनी ज़्यादा लेयर्स होती हैं उतना ही बोल जो है अच्छा परफॉर्म करता है, और जितनी ज़्यादा लेयर्स होती हैं उतना ही आपका जो बोल है वो महंगा भी होता है। इस बोल का जो प्राइस था, इसकी जो कीमत है वो लगभग 600 रुपये थी। तो इसलिए जो है एक ठीक ठाक क्वालिटी का बोल था, हमारे पिछले वाली बोल की तरह नहीं था जिसमें कि हमें एक सिंगल पीस का कॉर्क मिला था। यहाँ पर भी सेंटर में भी कोई चीज़ है, लेकिन मैं इसको खोलना चाह रहा हूँ, काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है खोलने में, क्योंकि ये जो है काफ़ी टाइट है। दोस्तों अब इन थ्रेड्स को छोड़कर इसके जो सेंटर वाला पार्ट है उसको मैं कोशिश करता हूँ बाहर निकालने की। और मुझे लग रहा है कि ये जो पीस है ये बना हुआ है लकड़ी का, ऐसा मुझे थोड़ा फीलिंग आ रहा है। हो सकता है कोर्क का भी बना हुआ हो, मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन निकालने के बाद में ही पता लगेगा कि क्या चीज़ इसके अंदर हमें मिलती है। और दोस्तों जो सेंटर जो कोर था वो भी यहाँ पर बाहर आ गया है लगभग। और जी हाँ, आप देख सकते हैं इसके अंदर हमें एक छोटा सा सेंटर में कुछ मिलता है, और मुझे लग रहा है कि ये जो है लकड़ी का तो बना हुआ नहीं लग रहा, किसी और चीज़ का ही है। तो ये है इस बोल के अंदर जो कि थी हमारी रेड वाली बोल SG का क्लब, और इसकी जो कीमत थी वो थी लगभग 600 रुपये। तो दोस्तों अब आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो एक सस्ती वाली बोल थी, जो कि एक यहाँ पर पिंक वाली बोल थी 250 रुपये की रेंज वाली, उसमें और इस रेड बोल में जो कि थी एक प्रीमियम क्वालिटी की, अच्छी क्वालिटी की बोल, उसमें क्या अंतर है। ये सारी जो चीज़ें हैं ये निकली हैं इस रेड वाली बोल के अंदर, वहीं पर इस जो पिंक वाली बोल है इसके अंदर हमें सिर्फ एक टुकड़ा ही मिला है। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे ज़रूर से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हमारे नए चैनल BladeXYZ को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों यहाँ पर आपकी सपोर्ट की, आपके प्यार की मुझे कुछ खास ज़रूरत है। तो आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो आप ज़रूर से प्लीज़ कर लीजिए, और जो बेल आइकन होता है नोटिफिकेशन के लिए उसको भी आप जरूर से ऑन कर लीजिए, ताकि आप हमारी आने वाली कोई भी अपडेट मिस ना करें। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।